ज्ञान गेमिंग ने फ्री फायर क्यूट कर दिया। जी हाँ गाइस, आप लोग जो सुन रहे हो वो सही है। ज्ञान गेमिंग ने फ्री फायर क्यूट कर दिया। भाई क्या आप लोगों ये विश्वास हो रहा है? मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि हमारी ज्ञान गेमिंग ने ऐसा करने वाला है। मेरे को लगता था कि जब भी हमारी ज्ञान गेमिंग ठीक हो जाएगा तो फिर से वापस आ जाएंगे, लेकिन भाई हमारा ज्ञान गेमिंग से बहुत बुरा हादसा हुआ है। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा, यहाँ पर जो ज्ञान गेमिंग ने प्रीमियम लगाकर अपलोड किया है ये वीडियो, आई नीड जस्टिस, मतलब ज्ञान गेमिंग ने क्या चाहता है, उस वीडियो के अंदर क्या बोलना चाह रहा है हमारे ज्ञान गेमिंग, वो भी कुछ बताने वाला। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, जब भी मैं ये ब्रेजिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा जो मूड है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। क्योंकि भाई ये देखने के बाद, मतलब ज्ञान गेमिंग ने ये जो बताया, ये देखने के बाद मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया ज्ञान गेमिंग के ऊपर। जो कि हमारे ज्ञान गेमिंग ने हमारे लिए इतना कुछ किया, भाई हम लोग उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्या? तो गाइस मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करके बोलूंगा कि इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। और ज्ञान भाई के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि हमारा ज्ञान गेमिंग वापस नहीं आएगा तो हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहां पर जो ज्ञान गेमिंग ने बता रहे आई नीड जस्टिस, उसमें मतलब क्या है, मतलब हमारी ज्ञान गेमिंग ने क्या चाहता है इसके ऊपर, मतलब क्या होना चाहिए था ज्ञान गेमिंग के साथ लेकिन क्या नहीं हुआ है, तो यही ज्ञान गेमिंग ने इस वीडियो के ऊपर बताने वाला है। क्योंकि हमारे ज्ञान गेमिंग ने सोचा नहीं था उसके ऐसा होने वाला है, तो इसलिए उसी के ऊपर ज्ञान गेमिंग ने ये वीडियो क्रिएट किया है। लेकिन ये जो वीडियो है ये एक्सीडेंट का वीडियो नहीं है, मतलब एक्सीडेंट कैसे हुआ ये भी बोल सकता है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो कुछ हुआ है उसके ऊपर ये वीडियो क्रिएट किया है हमारे ज्ञान गेमिंग ने, तो वो आप लोगों को कल पता चल जाएगा। और गाइस मैं आप लोगों को बोलूंगा ये जो वीडियो है वो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, कल सुबह 7 बजे आ जाएगा। सो अब आता है वीडियो की मेन टॉपिक। जी हाँ गाइस, हमारे ज्ञान गेमिंग ने फ्री फायर क्यूट कर दिया। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे ज्ञान गेमिंग फिर से वो कमबैक करे तो उसके लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। मैंने आप लोग को पहले ही बोला था, अगर आप लोग जितना ज्यादा ज्ञान गेमिंग को सपोर्ट करोगे तो उतना जल्द हमारे ज्ञान गेमिंग फिर से वापस आएगा। लेकिन भाई अब तो पूरा गेम ही पलट गया, मतलब ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप लोग उस वीडियो में भी पता चल जाएगा। तो गाइस आप बात करते कि क्यों हमारी ज्ञान गेमिंग ने गेम खेलना छोड़ दिया, मतलब क्यों बोल रहे हैं कि मैं फ्री फायर क्यूट कर दिया। कल मैंने जब भी ज्ञान गेमिंग की वर्डी सर्च करके ये चक्कर आता है कि ज्ञान गेमिंग ऑनलाइन आया थे या नहीं, जब भी इसके ऊपर सर्च कर रहा हूं, सर्च करके देख रहा हूं, नहीं अभी तक ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं आया। उसके बाद मैं जब भी इसके अकाउंट पर गया, उसकी प्रोफाइल सेक्शन में जाकर मेरे को ये पता चला है कि यहाँ पर देखो टाइटल में क्या लिखा रखा है, सॉरी गाइस आई क्विट फ्री फायर ऑलमेसिव। भाई देख रहे हो, मतलब उसमें यह बात रहा है कि ज्ञान गेमिंग मतलब उसने फ्री फायर क्यूट कर दिया और सारे लोगों को मिस करेंगे। और उसके बाद जब भी मैंने उसके इंस्टाग्राम पर गया था, उसके जाने के बाद कुछ भी नहीं मिला कि ऐसा वैसा बात कर रहा है कि उस फ्री फायर क्यूट के बारे में। और उसके बाद मेरे को देखने की मिला कि आयुष गेमिंग ने क्या बात रहा है, यहाँ पर आप लोग सुनो, आयुष गेमिंग ने भी बात रहा है उसके बारे में। दोस्तों बड़े दिनों बाद गेम खेल रहा हूँ, मतलब कितने दिनों बाद खोला है भाई, क्या लिख दिया ऐसा ज्ञान भाई ने, ऑफलाइन ज्ञान भाई तो बहुत दिनों से ऑफलाइन होंगे ना ज्ञान भाई, 5 घंटे पहले ज्ञान भाई ने अपनी आईडी तो खुली है, प्रोफाइल क्या लिखा वो प्रोफाइल, सॉरी गाइस आई कुड फ्री फायर लव यू मिस यू हो गया ज्ञान भाई को, ये कॉल करता हूँ ज्ञान भाई को, एक सेकंड रुको, तो कॉल करते हैं ज्ञान भाई क्या लिखा हुआ है आईडी में, क्या ये ऐसा मत करो यार, सच में क्या अबे कॉल काट दी बोल रहे सच में भाई, लोग सब लोग इस वाली स्टोरी पे पोस्ट पे सब लोग ज्ञान भाई को टैग करना ठीक है, इसे कमेंट में, और उनको बोलो गेम में रहे, गेम में वापस आए, गेम में रहे। ये देखने में मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया, मैंने बोला भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब मैंने सोचा जो था बहुत हमारी ज्ञान गेमिंग वापस आने वाले हैं, क्योंकि उसके पास हमारा आयुष गेमिंग और ट्रॉन्टिक वाइंड ने फुल सपोर्ट कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं दोनों मिलकर हमारी ज्ञान गेमिंग के साथ, इसलिए मैं सोचा था उन लोगों के साथ हैप्पी मूड में रहकर हमारी ज्ञान गेमिंग बहुत जल्द गेम पर आने वाला है। लेकिन भाई ये कैसे क्या हो गया पता नहीं, तो हमारी ज्ञान गेमिंग ऐसा क्यों कर रहा है ये सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों के पास शायद इंस्टाग्राम होगा, आजकल तो सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पोस्ट करता है, इंस्टाग्राम यूज करता है, तो क्या करना है, मतलब ऐसा है ज्ञान गेमिंग पता लगा, जैसे भी एक स्टोरी मार गए ज्ञान गेमिंग को कमबैक बता के उसको मेंशन जरूर करना, मेंशन करने के बाद मैं आप लोगों को 100% बोल सकता हूं आपकी जो स्टोरी है वो ज्ञान गेमिंग ने देखेगा, देखने के बाद हमारी ज्ञान गेमिंग कुछ तो मतलब उसकी मूड तो चेंज होगा, अगर एक बंदा नहीं करेगा तो नहीं होगा। भाई मैं बोल रहा हूँ जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों ने क्या करना है, हमारी ज्ञान गेमिंग मेंशन करके बताना है कि भाई कमबैक जल्द से करो, अगर तुम नहीं रहोगी तो हमारी गेमिंग तो बिगड़ जाएगी, ऐसा वैसा कुछ मेंशन करके ज्ञान गेमिंग बताना और कमबैक करने के लिए बोलना, और उसको मेंशन जरूर करना, और हमारे ज्ञान गेमिंग ने जरूर आपकी जो स्टोरी है वो जरूर चेक करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर देखो मैंने भी कल रात उसको मेंशन किया था, यहाँ पर देखो आयुष गेमिंग ने भी देखा था, हमारे ज्ञान गेमिंग ने भी देखा था। तो गाइस मैं और एक बात बताता हूं, अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर फॉलो कर लेना। तो गाइस मैं फिर से बोल रहा हूं गाइस, प्लीज हमारे ज्ञान भाई के लिए कमबैक जरूर बताना उसको मेंशन करके। तो आजकल इतना ही, तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड भाई आज भी ऐसा नहीं बोलूंगा, आप लोग पहले जाओ जाके हमारे ज्ञान गेमिंग में मेंशन करके बताओ।